बच्चों आज मैं इंटरमीडिएट इतिहास का पांचवा चैप्टर यात्रियों के नजरिए से आपको पढ़ाऊंगा। इससे पहले चार चैप्टर पढ़ा चुके हैं। बच्चों 13वीं 14वीं और 17वीं शताब्दी में भारत में कई यात्रियों का आगमन हुआ जिन्होंने अपने यात्रा वृतांत लिखे। उनमें अलबरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा वर्नियर प्रमुख हैं। यहां हम सबसे पहले अलबरूनी के बारे में जानेंगे। अलबरूनी का जन्म 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के खारिज्म शहर में हुआ था। बेहतर शिक्षा प्राप्त इस विद्वान को सीरियाई, फारसी, संस्कृत, हिब्रू भाषाओं का ज्ञान था। जब 1017 में खारिज्म में आक्रमण हुआ तो वहां का महमूद सुल्तान बहुत से विद्वानों को भारत ले आया और उनमें अलबरूनी मुख्य था, जिसने यहां के ब्राह्मणों के साथ रहकर कई वर्ष बिताए, संस्कृत धर्म दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। जो अलबरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक है किताब उल हिंद, वह उसने अरबी भाषा में लिखी। इसमें 80 अध्याय धर्म दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाओं के बारे में लिखा था और यह पुस्तक उसने प्रश्नोत्तर शैली में लिखी। इसमें कथाएं भी लिखी। अलबरूनी के बाद अब हम इब्न बतूता पर बात करते हैं। इब्न बतूता का जन्म तांजियर के एक शिक्षित परिवार में हुआ था। बच्चों तांजियर जो है उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को के नगर का एक नगर है जहां इब्न बतूता का जन्म हुआ था। कम उम्र में अच्छी शिक्षा इसने प्राप्त कर ली थी और शरिया कानून का एक विशेषज्ञ ये भी था और इसका पूरा परिवार था। बच्चों शरिया कानून जो कुरान, इस्लाम की कुरान है, उसके हिसाब से शरिया कानून चलता है। इस शरिया कानून का इब्न बतूता ज्ञाता था। पुस्तक के ज्ञान से, यात्रा से अर्जित ज्ञान को ये अच्छा मानता था और वास्तव में जिद्दी यात्री था। मक्का, सीरिया, ईरान, फारस, यमन, ओमान सहित कई देशों की इसने यात्रा की। 1333 में ये सिंध आया तो सुल्तान तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। बच्चों काजी कहा जाता है जो न्यायाधीश होता है। कुछ समय बाद इसने तुगलक का विश्वास खो दिया तो उसने इसको जेल में डाल दिया था। बच्चों फिर उसने तुगलक ने इसे कुछ दिनों बाद जब रिहा किया तो ये 1342 ईस्वी में चीन चला गया था। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों और आस्थाओं के बारे में लिखा। जिस समय उसने यात्रा की तो उस समय यात्रा करना बहुत कठिन होता था। कई बार इसको आक्रमण झेलने पड़े, कई बार घायल भी हुआ था। और जो इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक है एक और, जिसको अजायब अल अफसार कहा जाता है, अजायब अल अफसार प्रश्न पत्र में कभी कभी पूछी जाती है कि अजायब अल अफसार का लेखक कौन है, तो बच्चों इब्न बतूता इसका सही उत्तर। अब हम फ्रांसवा वर्नियर के विषय में आपको बताते हैं। फ्रांसवा वर्नियर फ्रांस का निवासी चिकित्सक, इतिहासकार और राजनीतिज्ञ था। मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में यहां पर आया था। 1656 से 1668 तक 12 वर्ष भारत में रहा। ये शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह का चिकित्सक था। इसने पूर्व और पश्चिम की तुलना यूरोप से की। यहां पर ये भारत की तुलना अक्सर यूरोप से करता था
और भारत की परंपराओं रीतियों को भद्दा बताता था। वर्नियर ने यात्रा वृतांत 1670-71 में लिखा, जो फ्रांस में छापा गया था और अंग्रेजी, डच, जर्मन, इतावली भाषा में उसका अनुवाद किया गया। बच्चों, इस वीडियो में आज हम आपको महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं उनका आप ध्यान रखें। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये वर्नियर ने लिखी। तहकीक ए हिंद, और जो हमने पहले पुस्तक बताई थी किताब उल हिंद, ये अलबरूनी की है। और तुवफत अल नज्जार की गरायब अल अंसार, ये इब्न बतूता की पुस्तक है। इन के नाम आप अक्सर जो प्रश्न पूछा जाता है वो किताब उल हिंद के लेखक कौन है, ये अक्सर आता है, इसको आप याद रखें। अगले वीडियो में हम इसका दूसरा भाग, एक अपरिचित संसार की समझ के विषय में आपको बताएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।